तरह से हमने सभी पट्टियों को ज्वाइन कर लिया है। आप देख सकते हो कि मैंने सभी पट्टियों को बराबर से एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम इस पे ऊपर सिलाई करेंगे। सिलाई हमें देखिए आप, ये जो है ये ऊपर की साइड रखेंगे हम, ठीक है। और बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लेनी है, कहीं पर भी मतलब अगर आप छोटी बड़ी लोगे तो आपकी नॉट्स भी ऐसे ही छोटी बड़ी होंगी, अगर आप सीधे लोगे तो आपकी नॉट्स भी सीधी होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से पूरी ये नॉट बना ली है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक मशीन की सुई लेनी है। ये जो हमारी मशीन की सुई है, आप कोई भी धागा यूज कर सकते हो, उसे आप चार हिस्से का धागा कर लीजिए, चार पदर में कर लीजिए उसको। अब हम इसे सुई में पिरो देंगे। ये हमने मशीन की सुई ली है, सादी सुई नहीं है ये, तो मशीन की सुई में ही हमको उसको पिरोना है धागे को। तो आप ये देखिए, ये हो गया चार पदरी धागा है, ये हमने चार से पकड़ा है। तो ये देखो, इस तरह से आप इस धागे को कट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमको एक गांठ लगानी है, इस तरह से आप गांठ लगा लीजिएगा लास्ट में। अब हमें क्या करना है, हम ये नॉट्स हैं तो इसका एक हिस्सा, कोई भी आप एक हिस्सा कोई भी साइड का एक हिस्सा आप ले लीजिएगा, इसका एक नीचे का या ऊपर का कोई भी एक हिस्सा लीजिएगा, डबल हिस्सा हमें नहीं लेना है। तो हम एक हिस्से में इस सुई को पिरो देंगे इस तरह से। और ये जो हमने चार पदरी लिया है ना धागा, तो इसमें से दो दो को हम अलग करेंगे और दो में ये सुई को अंदर डाल के ऐसे बाहर निकाल लेंगे और इसे यहाँ पर फिट कर देंगे, ठीक है। अब इस सुई को हमको उल्टी साइड से अंदर की ओर, हम जैसे अपनी नाड़ी को डालते हैं वैसे उसी तरह से हमको सुई में डाल के बाहर निकालनी है सुई। तो आप इस तरह से बाहर निकाल लीजिएगा सुई को।
ये रही हमारी सुई। अब इस तरह से हमको ये पूरा पीछे खींच लेना है। अब हम थोड़ा सा मशीन का उपयोग करेंगे, थोड़ा सा उसको मतलब यहाँ से लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस नाड़ी को धीरे धीरे से, हमने ये धागे को यहाँ पर लगा लिया है गोल समेट के, तो अब हमें इसको धीरे धीरे बाहर खींचना है। हमको बिल्कुल धीरे धीरे खींचना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर धागा टूट जाएगा तो नाड़ी अंदर ही रह जाएगी, पूरी तरह से बाहर नहीं आएगी। इस समय धागे को टूटने नहीं देना है। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए ये नॉट्स बाहर आ गई है। तो अब हम इसे पीछे के साइड में थोड़ा थोड़ा और खींचेंगे। ये देखिए फ्रेंड, आप देख रहे हो कि किस तरह से हमने नॉट्स बनाई है।
बिल्कुल सिंपल है, बस हमें इसे जब हम खींचते हैं तभी हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हो हमने किस तरह से नॉट बनाई है। इस तरह से हमने ये नॉट्स बनाई है, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी नॉट्स बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें आप चाहो आप लटकन लगा सकते हो, अलग अलग तरह के लटकन्स लगा सकते हो आप। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ब्लाउज में ज्वाइन करते हैं। हम इसे बीच में से कट कर लेंगे आधी आधी बराबर। अब हम ब्लाउज लेंगे, ब्लाउज की बैक साइड, ये देखिए बैक साइड लेंगे, तो कहीं से भी कुछ मतलब अलग ना लगे और ऊपर नीचे ना हो, इसीलिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा नाप लेंगे यहाँ से शोल्डर से। हम लोग थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ नाप कर जैसे हम 2.5 इंच पर ऐसे लगाएंगे या तो फिर 2 इंच पर लगाएंगे, 2 इंच ही सही रहेगा, तो हम 2 इंच पर एक निशान बना लेंगे। यहाँ से भी हम शोल्डर की तरफ से 2 इंच नाप लेंगे नीचे, इस तरह से 2 इंच पर हम फिर से निशान लगा लेंगे। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे।